سامعین حضرات, حضرت خدیجہ اپنی خالہ عدم کی باتیں سن کر غصے سے تم تما جاتی ہیں اور ان سے کہتی ہیں کہ عدم, مجھے افسوس ہے آپ کی بے وقوفی پر اور مجھے اپنی خوش نصیبی پر بہت ناز ہے, کیونکہ زہ قسمت محمد مصطفیٰ جو میرے شوہر ہیں شہ کون و مکاں ہیں اور وہ محبوب دعوت ہیں. خدا وہ ہے کہ جس نے دونوں عالم کر دیے پیدا, ہے اس کی ذات واحد کوئی بھی ثانی نہیں اس کا, دو عالم کا ہے مالک ہر جگہ موجود ہے بے شک, روا ہے بندگی اس کی وہی معبود ہے بے شک, تمہارا پوجنا بیکار ہے جھوٹے خداؤں کو, نہیں وہ دور کر سکتے کبھی ہرگز بلاؤں کو, بڑا افسوس ہے عقلوں پہ سب کی پڑ گیا پردہ, نہیں پہچانتے اللہ کے محبوب کا رتبہ, امانت اور صداقت کا بھی سب اقرار کرتے ہیں مگر پھر بھی انہیں دکھ دیتے ہیں بیزار کرتے ہیں, خلوص اخلاق بھی ان کا بہت اچھا بتاتے ہیں, امانت بھی انہیں کے پاس اپنی رکھنے آتے ہیں, کوئی ان کی طرح ہو مرد و زن میں تو بتا دیجئے, کسی میں خوبیاں ان کی طرح ہوں تو دکھا دیجئے, مصیبت میں وہ تم سب کی ہمیشہ کام آتے ہیں, وہ خود فاقے سے رہتے اور بھوکوں کو کھلاتے ہیں, ستانے پر بھی تم سب کو دعائیں دیتے رہتے ہیں, عمل کرتے ہیں اچھے اور سچی بات کہتے ہیں, سناتے ہیں وہ مجدارا ہے حق کی رہنمائی کا, بتاتے ہیں وہ رستہ دین و دنیا کی بھلائی کا, جو من جانب خدا ان کے لیے پیغام آتے ہیں, جو من جانب خدا ان کے لیے پیغام آتے ہیں, جو من جانب خدا ان کے لیے پیغام آتے ہیں, محبت سے وہی پیغام تم سب کو سناتے ہیں, محبت سے وہی پیغام تم سب کو سناتے ہیں, محبت سے وہی پیغام تم سب کو سناتے حضرات. حضرت خدیجہ ان لوگوں سے کہتی ہیں کہ تم میرے شوہر کی برائیاں بھی کرتی ہو, امانتیں بھی ان کے پاس رکھتی ہو, من جانب اللہ جو پیغام آتا ہے میرے شوہر کو وہ بھی تم کو سناتے ہیں, اچھی باتیں بتاتے ہیں, لیکن افسوس تم لوگ برائیاں ہی کرتے رہتے ہو. میں خوش ہوں کہ رسول اللہ پر ایمان لائی ہوں, زہ قسمت میں توحید رسالت کی فدائی ہوں, خدا کا شکر ہے کہ راہ حق مجھ کو دکھائی ہے, اسی کی دی ہوئی دولت تھی جو حق پر لٹائی ہے, نہیں یہ غم مجھے کہ بعد مر جانے کے کیا ہوگا,
हाफिज मेरी इस नन्ही सी बच्ची का खुदा होगा। ये कहकर गिर पड़ी बिस्तर पे खामोशी रही लब पर, आतम की चीख निकली गिर पड़ी कदमों पे वो रोकर। कहा मेरी खदीजा मेरा मुस्तकबिल बना दीजिए, खुदारा अब हमें भी दीन का कलमा पढ़ा दीजिए। आतम ने कुफर से तौबा की अपने अश्क बरसाए के इतने में रसूल अल्लाह घर तशरीफ ले आए। बनाया मोमिना उनको नबी ने कलमा पढ़वा कर, दुआ की उनके हक में शाहिदी ने हाथ फैला कर। खदीजा को खुशी बेहद हुई चेहरा चमक उठा, खदीजा ने मसरत से किया फिर शुक्र खालिक का। हुई शोहरत ये मक्का शहर में कहते फिरे जाहिल, खदीजा ने आतम को कर लिया इस्लाम में दाखिल। आतम को ले गए घर से बुलाकर उनके घर वाले, कहा हम इसका बदला लेके मानेंगे खदीजा से। तमें आखिर खदीजा ने अजब तकरीर फरमाई, तमें आखिर खदीजा ने अजब तकरीर फरमाई, तमें आखिर खदीजा ने अजब तकरीर फरमाई। आतम उनकी सहेली सुनते ही ईमान ले आई, आतम उनकी सहेली सुनते ही ईमान ले आई, आतम उनकी सहेली सुनते ही ईमान ले आई। जब हजरत खदीजा ने आतम के सामने तकरीर की तो आपकी बातें सुनकर वो कहती हैं कि ऐ मेरी खदीजा आप मुझे भी दाखिले इस्लाम कर लो। इतने में हुजूर ताजदार मदीना घर तशरीफ ले आते हैं और कलमा पढ़ाकर आतम को दाखिले इस्लाम कर लेते हैं। उसके बाद आगे क्या होता है लीजिए हजरात आगे मुलाहजा फरमाइएगा। रसूल पाक ने जब हाल ये देखा खदीजा का, तो चश्मा ने मुबारक नम हुई दिल को हुआ सदमा। खदीजा ने कहा मैं आपकी खिदमत न कर पाई, खताओं की मुआफी दीजिए रुखसत है अब मेरी। ये सुनकर बात अपनी बीवी की आका ने फरमाया, तुम्हारी खिदमतों कुर्बानियों से दिल है खुश मेरा, तुम्हें सबकत है हासिल दीन पे ईमान लाने की। करेंगी रश्क तुम पर औरतें सारे जमाने की, मुआविन दीन की तुम मोमिना खातून बेहतर हो। खुदा राजी है तुमसे क्यों ना फिर राजी पैगंबर हो। सिला तुम दीन की खिदमत का अपने रब से पाओगी, न दिल थोड़ा करो तुम जन्नतुल फिरदौस पाओगी। ये सुनकर खुश हुई अश्के मसरत आँख में आए, रसूल अल्लाह भी उस वक्त रंजीदा नजर आए।
हुई जब शाम को कुछ देर खामोशी रही तारी, रहा फिर रात भर कलमा ज़बाने पाक पर जारी। इसी हालत में गुजरी रात और वक्ते सहर आया, कलेजे से लगाया फातिमा को और फरमाया, सुपुर्दे रब किया बेटी तुझे रुखसत का वक्त आया, पढ़ा कलमा नबी का और जहां से पूछ फरमाया, लुटा दी दीन पर दुनिया ये रब की उन पे रहमत थी। नबी की पहली बीवी मोमिना की पहली रहलत थी, जो उनको लेने आया था वो रहमत का सफीना था, जो उनको लेने आया था वो रहमत का सफीना था, जो उनको लेने आया था वो रहमत का सफीना था। हुई जब आपकी रहलत तो रमजान का महीना था, जब आपकी रहलत तो रमजान का महीना था, हुई जब आपकी रहलत तो रमजान का महीना हजरत। हजरत खदीजा ताहिरा का इंतकाल रमज़ान के महीने में होता है, लेकिन अपनी वालिदा के इंतकाल से हजरत फातिमा जहरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के दिल पर क्या गुजरती है, आइए आगे इस वाक़े में मुलाहिज़ा करें। हजरत फातिमा पर क्या गुजर रही है, लीजिए समाअत फरमाइए। जनाबे फातिमा मुंह तक रही थी अपनी मादर का, सहारा मिल गया फिर उनको आगोशे पैगंबर का, जनाजा हो के जब तैयार निकला आपके घर से, तो निकली आहे सोजा गमजदों के कल्बे मुजतर से, कहा कुछ अहले मक्का ने ये कब्रस्तान में जाकर, ना होने देंगे मैयत दफन कब्रस्तान के अंदर, था ऐसा वक्त नाजुक उस घड़ी प्यारे पैगंबर पर, किया फिर दफन उनको आपने लोगों को समझा कर, गए मैयत को घर से हो गए जब चार छह घंटे, वहां जो औरतें थीं हो गई रुखसत सभी घर से, अकेली फातिमा ही रह गई घर में परेशान थी, वो अपनी माँ को घर में ढूंढती थी अश्क अफशां थी, रसूल पाक घर में आए तो बेटी ने ये पूछा, मेरी अम्मी कहाँ है, तो शहज़ीशा ने फरमाया, तेरी अम्मी गई है घर खुदा के ऐ मेरी बेटी, ये कहकर आपने मासूम बच्ची गोद में ले ली, गए बाहर तो बोली बाबा तुम अम्मी को ले आना, तुम्हारी फातिमा तुमको बुलाती है ये बतलाना, कलेजे से लगा कर आपने बच्ची को बहलाया, लिपट कर बाप के सीने से कुछ उसने सुकून पाया, रसूले पाक बहला कर उन्हें घर में सुला आए, रसूले पाक
गुंज के साए, तसव्वुर में नजर आते थे उनको रंज के साए, तसव्वुर में नजर आते थे उनको रंज के साए। सामईन हजरात, जब हजरत खदीजा का जनाजा घर से निकलता है, हुजूर ताजदार मदीना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम आपको मक्के के कब्रिस्तान में दफन करने के लिए ले जाते हैं, लेकिन वहाँ अहले मक्का आपको दफन करने में कुछ हीला हुज्जत करते हैं। हुजूर उनको बड़े ही प्यार से समझाते हैं और हजरत खदीजा ताहिरा को दफन करके अपने घर वापस आए। जो औरतें मैयत में आई थी वो भी अपने अपने घर चली जाती हैं। फातिमा जहरा अकेली घर पर हैं, अपनी वालदा को चारों तरफ ढूंढ रही हैं। हुजूर आते हैं तो फरमाती हैं, बाबा जान मेरी अम्मी कहाँ हैं? कहा, बेटी वो खुदा के घर गई हैं। कहा, बाबा जान आप जाइए और मेरी अम्मी को ले आइए। खुली जब आँख घर में फातिमा मासूम बच्ची की, तो देखा दर की जानिब, सोचा अम्मी आ रही होगी। मेरे बाबा गए हैं लेने को, वो आ रहे होंगे। मेरी अम्मी को अपने साथ में वो ला रहे होंगे। दवा उठकर भिगो दूं, आएंगी अम्मी तो पी लेंगी। करूं फिर ठीक बिस्तर, माँ का वो आएंगी लेटेंगी। उठी और काम सारे कर दिए, घर में सफाई की। निगाहें दर पे थी के मेरी अम्मी आ रही होंगी। यकायक पर्दे में खाला को अपनी देख कर बोली, जनाबे फातिमा जा लिपटी उनसे और ये बोली। समझ कर माँ उन्हें दौड़ी लिपट कर, ये किया शिकवा। खुदा के घर गई तो किस लिए तन्हा मुझे छोड़ा। ये सुनकर उनकी खाला का अलम से दिल तो भर आया। पराए फातिमा लेकिन उन्होंने सब्र फरमाया। लगाया अपने सीने से, कहा मैं अब ना जाऊंगी। भरी है नींद आंखों में तेरी, तुझको सुलाऊंगी। गरज खाला ने पहला कर सुलाया उनको बिस्तर पर। रसूले पाक जब तशरीफ लाए तो गई वो घर। खुली जब आँख तो बिस्तर पे अपने आप को देखा। नहीं थी घर में अम्मी, सिर्फ अपने बाप को देखा। कहा, बाबा अभी अम्मी ने बिस्तर पर सुलाया। कहाँ है वो, उन्हें अल्लाह ने क्या फिर बुलाया है? कहाँ है वो, उन्हें अल्लाह ने क्या फिर बुलाया है? कहाँ है वो, उन्हें अल्लाह ने क्या फिर बुलाया है?
हजरात, हजरत आतम यानी बीबी फातिमा की खाला पर्दे में जब आपके घर आती है तो आप अपनी वालिदा समझकर उनसे पूछती हैं, अम्मी आप मुझे तनहा छोड़कर खुदा के घर क्यों चली गई थी। खाला उनको प्यार से थपथपाती हैं और कहती हैं, बेटी तुम्हारी आंखों में नींद भरी है, आओ तुमको सुला देते हैं। और हजरत आतम बीबी फातिमा को बिस्तर पर लेटाकर सुला देती हैं। लेकिन ताजदार मदीना जब घर तशरीफ ले आते हैं तो हजरत आतम अपने घर चली जाती हैं। लेकिन आगे ये फरमाया नबी ने, वो तेरी अम्मी ना थी बेटी, तुझे बहलाने आई थी जो घर में खाला थी तेरी। रसूले पाक ने फिर सब हकीकत उनको समझा दी, बड़े ही प्यार से फिर सब्र की तलकीन फरमा दी। निहायत प्यार से पाला उन्हें प्यारे पैगंबर ने, बनाया सब्र का पैकर उन्हें महबूबे दावर ने। पराए दीन हजरत फातिमा ने दुख उठाए हैं, शिकायत के मगर अल्फाज भी लब तक न आए हैं। सुनो एक वाकया मक्के का हम तुमको सुनाते हैं, के बीबी फातिमा का हौसला तुमको दिखाते हैं। रसूले पाक एक दिन काबे में महबे इबादत थे, अबू जहल और उतबा उसके सब अहले शरारत थे। शरारत सूझी तो वो ऊंट की एक ओझड़ी लाए, रखी वो पीठ पर सरकार के जब सजदे में पहुंचे। खबर जब फातिमा जहरा को पहुंची दौड़ती आई, हटाई ओझड़ी गुस्से से सबको आंखें दिखलाई। कहा तुम इस शरारत की सजा अल्लाह से पाओगे, मरोगे मौत जिल्लत की सभी दोजख में जाओगे। कोई उन जालिमों पे एकदम गालिब वो मजबूरी, जनाबे फातिमा की बद्दुआ सब हो गई पूरी। उगलते थे जो मुंह से कुफ्र की आतिश के अंगारे, उगलते थे जो मुंह से कुफ्र की आतिश के अंगारे, उगलते थे जो मुंह से कुफ्र की आतिश के अंगारे, वो जंगे बद्र के मैदान में मारे गए सारे, वो जंगे बद्र के मैदान में मारे गए सारे, वो जंगे बद्र के मैदान में मारे गए सारे। सामईन हजरात, एक दिन मेरे आका काबे में नमाज अदा कर रहे थे, अबू जहल और उतबा ऊँट की ओझड़ी लाते हैं और जब सजदे में जाते हैं मेरे आका तो आपकी पीठ पर रख देते हैं। जब हजरत फातिमा जहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को इसकी खबर होती है तो आप आकर वो ऊँट की ओझड़ी हटाती हैं और बद्दुआ देती हैं उन लोगों को कि तुम बुरी मौत मारे जाओगे। हजरत फातिमा की वो बद्दुआ जंगे बदर में कबूल होती है और वो ज़ालिम मारे जाते हैं। आगे और क्या क्या होता है फातिमा का बचपन और खदीजा की रहलत वाकई में लीजिए हजरात समाज फरमाए। कहीं बच्चों के खेलों में कभी शिरकत न करती थी, वो जेबाइश से दुनिया की कभी रगबत न करती थी,
खुदा की याद में वो हर घड़ी सरशार रहती थी। खुशी के साथ अक्सर फातिमा फाके भी सहती थी। गरीबों बेकसों पे उनको बेहद रहम आता था। गरीबी में भी साइल लौट कर खाली न जाता था। गए सलमान एक दिन एक साइल साथ में लेकर, कहा ये फातिमा से भूखा साइल है खड़ा दर पर। था उस दिन घर में पापा भूखे थे खुद उनके बच्चे भी, मगर सर से उतारी अपनी चादर और उन्हें दे दी। कहा ये बेच कर साइल को तुम खाना खिला देना, ये चादर किसकी है हर किस न तुम इसको पता देना। गए सलमान और तज्जार एक शमून तक पहुंचे, कहा चादर ये लीजिए खाना साइल को खिला दीजिए। यहूदी ने कहा ये तो बड़ी अनमोल चादर है, कि इस चादर से आती मुझको खुशबूए पैगंबर है। दिए काफी दिरहम साइल को आंखों पर रखी चादर, गया सलमान को लेकर यहूदी सहरा के घर पर। वो चादर दे के वापस अश्क भी आंखों में भर लाया। सखावत फातिमा की देख कर ईमान ले आया। जनाबे फातिमा ऐ शौक क्या ईमान वाली थी, जनाबे फातिमा ऐ शौक क्या ईमान वाली थी, जनाबे फातिमा ऐ शौक क्या ईमान वाली थी। रसूले पाक की दुख्तर थी आला शान वाली थी। वाली थी।